हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप लोगों के एसएससी जेई 2017 या उससे आगे के आप लोगों को यहाँ पर रहने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है, डेट इज द कैलकुलेट करना है आपको लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट इफ द मैक्सिमम अलाउेबल एरर इन लेइंग ऑफसेट इज 2 डिग्री और स्केल ऑफ द मैप आप लोगों को दे रखा है, डेट इज द 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, है ना। ठीक है, तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट का सवाल है ना। तो इसका ना मैंने डिटेलिंग आप लोगों को यहां पर पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों को एक्चुअल में करना क्या होता है ना। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट वो लेंथ है आप लोगों की जिसके अंदर ना आप लोगों की एरर जो है आप लोग यहां पर जिसको मिनिमाइज कर पाए, यानी कि इन जनरल मैं बताता हूं, है ना। जैसे कि ये चेन लाइन चल रही है आप लोगों की, है ना। लेट मी से दिस इज द चेन लाइन, दिस इज द चेन लाइन, है ना। ये चेन लाइन है जो कि आप लोगों की यहां पर चल रही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चेन लाइन है। अब इस चेन लाइन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखना है, आप लोग यहाँ पर एक प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि एक डिटेलिंग लेना चाह रहे हैं आप, है ना। तो जैसे कि मैंने इस चेन लाइन से एक डिटेलिंग ली, एक पर्टिकुलर ट्री, एक पर्टिकुलर ट्री की डिटेलिंग ली, है ना। ये डिटेलिंग ले रहा हूँ मैं यहाँ पर लाइन किसी पर्टिकुलर लाइन ए बी से, है ना। बिल्कुल, तो अगर मेरे से यहाँ पर कोई गलती हो गई ना, जैसे लेट मी से मेरे से गलती क्या हुई है कि मैं यहाँ पर लेना चाह रहा था रिजल्ट, यहाँ पर मेरा रिजल्टेंट क्या रहने वाला है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर जो पर्टिकुलर लाइन यहाँ पर बनानी थी, ये आपकी एक पर्टिकुलर लाइन जा रही है, यहाँ से बनानी थी, है ना। तो यहाँ से मेरे को ये ए बी की प्लॉटिंग करनी थी, ये वाली, है ना, ये वाली प्लॉटिंग करनी थी पेपर के ऊपर, है ना। अब ये ग्राउंड के ऊपर कंडीशन है, ये पेपर के ऊपर कंडीशन है ना, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं गलती से ऐसा कर दूं, ये गलती कर दी ऐसी, ठीक है, समझ में आ गई बात। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुल मिला के मैंने यहाँ पर इतनी एरर कर दी है, कुल मिला के मैंने यहाँ पर इतनी इतनी गलती कर दी है। दिस इज द एरर, दिस इज दी एरर, है ना, ये हमारी एरर है, दिस इज दी एरर। इस एरर को आपको लिमिटेड करना है ना। तो देखो ये एरर ना, जैसे कि मेरे को यहाँ पर ये डायरेक्शन के अंदर गलती है, डायरेक्शन के अंदर भी हो सकती है, लेंथ के अंदर भी गलती हो सकती है, किसी भी तरह से गलती आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो मेजर चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, इधर देखो कि आप लोग यहाँ पर थीटा एंगल से गलती कर चुके हैं पूरी पर्टिकुलर, है ना। तो ये जो है एरर, ये लेस देन आप लोगों को यहाँ पर 0.025 सेंटीमीटर है तो आपका मामला बिल्कुल सेट है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इससे अगर इतनी तक आपकी एरर रहती है ना, इससे कम एरर रहती है ना आपकी, तो आपका ड्राफ्टमैन पहचान नहीं पाता। अब ये एरर क्या रहेगी, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेगी आप लोगों की, जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर इस ऑफसेट, देखो ये अभी ऑफसेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, जैसे आप लोग इसकी लेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये एरर आप लोगों की यहाँ पर बढ़ती हुई चली जाएगी। देखो इस लेंथ को मैंने बढ़ाया और ये आप लोग गलती हुई थी थीटा एंगल में, है ना, इसको बढ़ाओ, है ना। अब देखो यहाँ पर एरर कंपेरिजन करो यहाँ के एरर से, है ना, तो ये डिफरेंस है ना। तो इस पर्टिकुलर एरर को 0.025 सेंटीमीटर को पेपर ऑन पेपर आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं पेंसिल की नोक से, यानी कि पेंसिल की जो मोटाई रहेगी ना वही कवर कर जाएगी इतनी एरर को, है ना, ठीक है, फॉर एट पर्टिकुलर स्केल। अब यही आप लोग यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर 0.025 mm से पर्टिकुलर एरर आप लोगों को यहाँ पर कम में आनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो इसी एरर को आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होता है, बेसिकली आप लोगों को काम करना है, यहाँ पर सारी चीजें दे रखी है, आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करके सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर एरर दे रखी है 2 डिग्री की, है ना, 2 डिग्री की एरर दे रखी है, ठीक है। तो लेट मी से ये वाली कंडीशन मान लेता हूँ मैं कि ये थीटा आपको दे रखा है, डेट इज 2 डिग्री, है ना, और ये एरर आप लोग कर चुके हैं ना, और आप लोगों को लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट निकालनी है, ठीक है। ये एल लेंथ है ऑफसेट, ये एल लेंथ है ऑफसेट, एक पर्टिकुलर लाइन पे, एक पर्टिकुलर चेन लाइन के ऊपर आप लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, है ना, एक पर्टिकुलर चेन लाइन के ऊपर आप लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, दिस इज दी चेन लाइन जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे थे, यहाँ से आपने ऑफसेट लिया, एक पर्टिकुलर ऑफसेट एल लेंथ का ऑफसेट लिया, 2 डिग्री की एरर हो गई, है ना। तो ये एरर है, इस एरर को कैलकुलेट करना है ना। अब देखो ये एरर ना आप प्रिसाइसली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप लोग यहाँ पर लगभग लगभग क्या मान लेते हैं, आप लोग मान के चल लेते हैं कि सर ये जो लेंथ निकल के आएगी इस लेंथ के बराबर आएगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि सर देखो ये जो है, ये एरर जो इतनी लेंथ की आई है, ये लगभग बराबर इस लेंथ की है, ये लगभग बराबर इस लेंथ की है ना। इससे आसानी क्या हो जाती है, एल है ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ये एल साइन 2 डिग्री हो जाएगा, ये एल साइन 2 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एल साइन 2 डिग्री, और आप लोगों को पता है कि सर ये एल साइन 2 डिग्री की एरर आप लोग यहाँ पर बच सकते हैं, अगर ये एरर जो है, इफ दिस एरर कम्स आउट टू बी लेस देन इक्वल टू 0.025 सेंटीमीटर या 0.25 mm, है ना, देख लेना जैसे भी आप लोगों को जिस भी टर्म में दे रखा हो, है ना, ठीक है। अब ये तो है आपका ऑन ग्राउंड, एल साइन 2 डिग्री तो हो गया ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एरर है ना, ठीक है। लेट मी से मैं यहाँ पर स्केल जो यूज कर रहा हूँ, स्केल यूज कर रहा हूँ आप लोगों का 1/s का स्केल यूज कर रहा हूँ, है ना।
तो ऑन पेपर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑन पेपर ये जो मेरे यहाँ पर एरर निकल के आएगी, डेट इज द एल साइन 2 डिग्री अपॉन एस, और ये आप लोगों का लेस देन होना चाहिए 0.025 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है ना। अब देखो यहाँ पर स्केल जो है वो कैसे है, ये सेंटीमीटर में स्केल थी और ये आप लोगों के पर मीटर में है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के जो स्केल मैंने इस तरह से डिनोट की है, 1 सेंटीमीटर आपका डिनोट करेगा एस मीटर को, है ना। इंजीनियरिंग स्केल मैंने उठाई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर उठा के ले लेता हूँ, आप लोगों को सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट एल आपको पता करना है, साइन 2 डिग्री आप लोगों के पास यहाँ पर ऑलरेडी है, अपॉन एस जो है एस की वैल्यू डायरेक्ट 100 आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये शुड बी लेस देन टू 0.025 आप लोगों का यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि एल की वैल्यू जो रहेगी वो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, डेट वुड कम्स आउट टू बी 0.025 × 100 है ना, अपॉन साइन 2 डिग्री है ना, जो कि आप लोगों का निकल के आएगा डेट इज कम्स आउट टू बी 71.63 के आसपास। देख लो आप लोग ना कंपेरेटिव आंसर चेक कर लिया करो, है ना। देखो आप लोग यहाँ पर जब लगाएंगे ना, अंदाजा लगाएंगे, तो देखो 0.025 को डिवाइड करके सॉरी मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर 100 के साथ, है ना। तो मामला जो है आप लोगों का यहाँ पर कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ तक, है ना। साइन 0 डिग्री लगभग बराबर 0 के रहता है ना, लेकिन 0 से कुछ वैल्यू आएगी, तो उस टर्म में आप लोग यहाँ पर आंसर आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं ना। तो उस हिसाब से आप लोग लगभग लगभग अंदाजा लगाएंगे तो 71.63 के आसपास का आप लोग यहाँ पर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है ना, ठीक है। अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो अब यहाँ पर बढ़ते हैं आगे, ये वाले क्वेश्चन तो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व पहले भी कर चुके हैं, इस तरह का एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को पहले भी आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ ना। सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ लिंक्स जो है 20 मीटर मेट्रिक चेन में कितने। तो देखो बहुत इजी है, 20 मीटर की चेन में आप लोगों को यहाँ पर पूछेगा, तो डेट इज दी 100 लिंक है मेट्रिक चेन के अंदर, है ना। और यहाँ पर गैल्वेनाइज स्टील से बनी रहती है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, आउटर टू आउटर डिस्टेंस आप लोग यहाँ पर चेक करते हैं। 30 मीटर के अंदर अगर आपसे पूछ ले अगली बार तो 150 लिंक, और 1 मीटर में पूछे तो 1 मीटर में आपके कितने लिंक बैठेंगे, आप लोग 5 लिंक बैठेंगे, है ना, 5 लिंक बैठेंगे। एक लिंक कितने का, एक लिंक 20 सेंटीमीटर का, है ना। अगेन रिवाइज कराता हूँ, 1 लिंक 20 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूजल अलाउंस फॉर 30 मीटर लॉन्ग चेन, है ना। देखो वही सेम बात है, सारे मामला सेम ही है ना। एक्चुअली हम यहाँ पर क्या करने आए थे, हम यहाँ पर डिस्टेंसेज निकालने आए हैं, ये वाली है ना। तो लेट मी से कि मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालने जा रहा हूँ ए और बी की, है ना। लेकिन ए और बी जो है एक पर्टिकुलर स्लोप पे है, ए और बी जो है पर्टिकुलर स्लोप पे है, और ए और बी की बीच की जो डिस्टेंस निकलेगी वो ये निकलेगी, एक चेन लेंथ, है ना। दिस कम्स आउट टू बी 1 चेन लेंथ, है ना, एक चेन लेंथ, जिसको मैं एल से डिनोट कर देता हूँ। ये हमारी एल है वैसे तो, है ना, ये ए से बी की डिस्टेंस ये है। लेकिन आप लोगों को पता है अगर इस चेन को मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के लिखूं, तो देखो ये है ना, इस तरह से आप लोग देखें तो ये इतनी लेंथ और इतनी लेंथ बराबर ही बैठने वाली है आप लोगों की, है ना, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है, रेडियस मानते हुए यहाँ से मैंने ऐसा खींच लिया, है ना। तो अगर ए से बी के बीच में देखूं तो मेरे को करना क्या है, देखो मेरे को यहाँ पर मेजरमेंट तो मैं इतनी लेंथ का करूंगा, मेजरमेंट तो करूंगा यहाँ पर ए बी लेंथ का इतने का, है ना। तो ये 1 चेन लेंथ से ज्यादा आएगा, देखो स्लोप के थ्रू अगर आप मेजरमेंट करने जाएंगे तो आपकी लेंथ ज्यादा मिलने वाली है आप लोगों को, है ना। लेकिन आपको पता है ए और बी के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो एल रहेगी, लेकिन आपको पता है जब आप मेजरमेंट अलोंग दी स्लोप करेंगे ना, तो स्लोप के थ्रू आपको ज्यादा मिलेगा, है ना। अब देखो ये जो दोनों का डिफरेंस निकल के आता है ना, ये जो इतना सा डिफरेंस निकला ये वाला, है ना, इसको लेट मी से यहाँ पर मैं पी बोल देता हूँ, यहाँ पर P1 बोल देता हूँ, है ना। दिस इज द PP1 डिस्टेंस, है ना। तो ये जो आपको BP1 दिख रहा है ना, इसी को आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूजल अलाउंस कहते हैं, इसी को आप लोग यहाँ पर हाइपोटेन्यूजल अलाउंस कहते हैं ना। अगर इस अलाउंस का अच्छी तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर यूटिलाइजेशन ले लिया तो आप लोगों को यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा कुछ लगाने की। देखो क्या करना है, मुझे यहाँ पर ए बी डिस्टेंस का मेजरमेंट करना था, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना था, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर एक चेन लेंथ का मेजरमेंट करके इसको कैलकुलेट कर लूँ, है ना, और इतनी जगह आगे छोड़ दूँ, इतनी जगह आगे छोड़ दूँ, फिर अगली चेन लेंथ का मेजरमेंट मैं यहाँ से सेम तरीके से कर दूँ, अगली चेन का मेजरमेंट मैं सेम तरीके से कर दूँ, यानी कि फिर से मैं क्या करूँ, फिर से मैं एल चेन का एक चेन लेंथ का मेजरमेंट करूं, फिर एक चेन लेंथ के बाद इतनी जगह छोड़ दूं हाइपोटेन्यूजल अलाउंस का, है ना। तो इससे कंपैरिजन में देखो तो ये डिस्टेंस जो है रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टली ग्राउंड वाली डिस्टेंस को, है ना, डायरेक्टली आपकी ग्राउंड के ऊपर ये जो डिस्टेंस है ना, इसको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा आप लोगों को, है ना। देखो तो ये जो मैं एक्स्ट्रा अलाउंस छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ, इधर देखो आप लोगों ने मेजरमेंट तो यहाँ पर कितना किया है, इतना ज्यादा किया है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक ही चेन लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हो, और जो एरो स्टेब्लिश करोगे ना वो यहाँ पर कर दोगे, एरो जो स्टेब्लिश करोगे यहां पर कर दोगे, है ना। तो एक चेन लेंथ का मेजरमेंट किया, दो दो चेन लेंथ, हर चेन लेंथ के बाद इतनी जगह छोड़ रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूं आप लोगों को, है ना। मैं यहां पर जो गिन रहा हूं ना, सिर्फ यही लेंथ गिन रहा हूं, यही लेंथ गिन रहा हूं, है ना, इतनी लेंथ को छोड़ के मैं अगला मेजरमेंट ले रहा हूं,
तो एक्चुअल में देखोगे आप लोग तो मेजरमेंट तो हमने यहाँ पर कितना लिया, इतना लिया है, लेकिन आपने इनको काउंट नहीं किया है, हाइपोटेन्यूज डाल देता है ना। तो पूरी एंटायर स्लोप के ऊपर आप लोग यहाँ पर छूटते छूटते हुए मेजरमेंट कर लेंगे, ताकि आपका ये जो रेस्पेक्टेड टर्म है ये वाली लेंथ आपको मिलती रहे। सिर्फ आप इस एल लेंथ को काउंट करेंगे, तो 2L लेंथ को काउंट करेंगे, ये अलावेंस है, इस अलावेंस को छोड़ते हुए चले जाएंगे आप लोग। अभी अलावेंस को आप लोगों को निकालना है, तो सेक थीटा के टर्म में आप लोग यहाँ पर इजीली आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्टली अभी फिलहाल देखो चाहे तो आप देख सकते हैं इसको। अगर आप थीटा एंगल मान के देखें तो हाइपोटेंशियल अलावेंस आप लोगों को निकालना है, तो हाइपोटेंशियल अलावेंस आराम से निकलेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ठीक है, यही तो निकालना है आप लोगों को, और करना गया है ना, माइनस एल कर देना इसमें से। ठीक है, तो दिस माइनस दिस आप लोगों को लगा के आप लोग यहाँ पर चाहे तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाइपोटेंशियल अलावेंस जो मेरा निकल के आता है, वो फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर चाहे तो याद भी कर सकते हैं, हाइपोटेंशियल अलावेंस है ना। ठीक है, क्योंकि देखो थीटा एंगल ही है, एल है तो, और ये वाली जो डिस्टेंस निकलेगी, ये वाली डिस्टेंस निकलेगी आपकी, डेट वुड कम्स आउट टू बी एल सेक थीटा, ये आपका बन जाएगा एल सेक थीटा, और ये आप लोग यहाँ पर माइनस एल कर देंगे ना। तो हाइपोटेंशियल अलावेंस जो बनेगा पर चेन लेंथ, वो बनेगा एल इंटू सेक थीटा माइनस वन, है ना। सेक थीटा लग जाएगा, सेक थीटा लग के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों का निकलेगा हाइपोटेंशियल अलावेंस, है ना। ठीक है, तो आप कितना निकलेगा 30 मीटर चेन लेंथ के लिए, तो 30 इंटू कर दें आप लोग यहाँ पर, स्लोप आपको दे रखा है 1/10 का, है ना। तो 10 थीटा आप लोगों को दे रखा है, डेट इज गिवन, इज गिवन टू यू 1/10, थीटा बराबर करेंगे 10 इनवर्स 1/10, है ना, 10 इनवर्स 1/10, है ना। ठीक है, इसको आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि देखो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है आप लोगों, क्योंकि SSC JEE आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेटर अवेलेबल आप लोगों को नहीं कराता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर थोड़े से छोड़ने होते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि थीटा आप लोगों को नॉन नहीं है, तो आप लोग नहीं निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ने होते हैं, लेकिन चूंकि मेरे को बताने थे आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को बताने के हिसाब से मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। सेक 5 डिग्री 42 मिनट 38.14 सेकेंड्स माइनस वन, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, डेट वुड बी कम्स आउट टू बी 0.15 मीटर के आसपास, 0.1461 निकलेगा वैसे तो, बट आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से इसको, 0.15 मीटर, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को ट्रिकी होते हैं, आपका टाइम भी खराब करने के लिए आता है ना, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए पेपर का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का है। 120 मिनट्स के अंदर, यानी कि 2 घंटे के अंदर आपसे 200 क्वेश्चन करवा रहा है ना। तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कट ऑफ जो आप लोगों की जाती है वो विद इन द रेंज, आप लोग यहाँ पर मान लो 130 के आसपास है, 130 से तो कम ही जाती है वैसे तो, बट बता देता हूँ 110 से लेके 130 के बीच में, अकॉर्डिंग टू आप लोगों का बढ़ता हुआ कॉम्पिटिशन और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाली है, इसी के बीच में लाई करेगी, है ना जनरली। तो आप लोगों को श्योर है कि कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं करने वाले देगा, वो ऐसे क्वेश्चन देता है आप लोगों को जिसमें आप फर्स्ट के टाइम बर्बाद कर देते हैं ना। तो जो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते थे, वो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर छूट जाता है। तो मेरी एडवाइस है आप लोग होता है ना, जब भी आप क्वेश्चन को परफॉर्म करें तो उसको देखते हुए करें, अगर आप प्री के लिए कर रहे हैं तो, है ना। ठीक है, फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको राइट एंगल के लिए कौन कौन सा आप लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं ना। देखो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, देखो एक तो प्रिज्म स्क्वायर है आप लोग, है ना, नो डाउट प्रिज्म स्क्वायर के अंदर आप लोगों को बोल रखा है, प्रिज्म स्क्वायर बिल्कुल 90 डिग्री के लिए काम में आता है। प्रिज्म स्क्वायर के अलावा आप लोग ऑप्टिकल स्क्वायर भी काम में ले सकते हैं, क्रॉस स्टाफ भी काम में ले सकते हैं ना, जिसमें ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, तीनों के तीनों शामिल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके अलावा देखो ऑफसेट रोड जो है आप लोगों का नाम से क्लियर है, आप लोगों का रेंजिंग रोड जैसी रोड दिखेगी, लेकिन ये आप लोगों का ऑफसेट निकालने का काम आती है, ये आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट भी निकाल सकती है आप लोगों को, ऑब्लिक ऑफसेट भी निकाल सकती है, जैसे अभी आप लोग जैसे रेंजिंग रोड को काम में लेते हैं, वैसे ऑफसेट रोड का काम में लेते हैं ना। ठीक है, सेम तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है दोनों की। नेक्स्ट आता है क्लिनोमीटर। देखो क्लिनोमीटर ना आप लोगों का स्लोप मेजरमेंट करने के काम में आता है ना, तो स्लोप मेजरमेंट के लिए आप लोग कोई डिवाइस का काम में लेते हैं, दैट इज द क्लिनोमीटर। देखो क्लिनोमीटर का प्रिंसिपल समझा देता हूँ मैं ना। तो जनरली क्या होता है कि आप लोगों को करना क्या होता है कि देखो ये आप लोगों का क्लिनोमीटर है, क्लिनोमीटर है यानी कि यहाँ पर एक एंगल बने हुए हैं ना आप लोग यहाँ पर। देखो इसको ऐसा समझो कि एक आप लोगों के पास सॉलिड बेस है, सॉलिड बेस है, इस बेस के ऊपर आप लोगों का यहाँ पर एंगल्स बना के रखा है ना, ये एंगल्स बना रखे हैं ना, एंगल्स बने हुए इस पे, एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये एंगल्स बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल्स बने हुए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अगर यदि यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक वेट सस्पेंड कराते हैं, यहाँ पर हम एक वेट सस्पेंड कराते हैं। ठीक है, ठीक है, एक लाइट वेट को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, सस्पेंड करा देंगे। तो लेट मी से, मैंने यहाँ पर एक लाइट वेट को यहाँ पर क्या कर रखा है, सस्पेंड करा रखा है ना, करा दिया लाइट वेट सस्पेंड, बिल्कुल। अब देखो इसका, देखो अब यहाँ पर ना आप लोगों को यहाँ पर एंगल दिख जाएगा साफ साफ, देखो तो 0 डिग्री जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा,
देखो 0 डिग्री यहाँ पर रहेगा। देखो अगर यदि ये मिडिल वाली कंडीशन है, अगर ये रोड कुछ ऐसी सी है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रखी हुई है ना, बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है, तो इस तरह से तो आप लोगों को 0 यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो आप लोगों का ये जो वेट है, ये वेट इसके ऊपर से पास कर जाएगा, है ना। तो आप लोगों को पता चल जाता है जिस भी स्लोप के अराउंड है, जैसे ये आप लोगों की ग्रेडियंट है, इसके साथ में आप लोग लगा के देख लें, तो लगाते हैं आप लोगों को यहाँ पर पहले पता चल जाएगा कि कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो अगर ये इतने डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये ठीक है, तो ये लाइन ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है ना एक्चुअली। और यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जितना का भी एंगल बनाएगा, ये एंगल आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना एंगल बनाया है ना, कितना एंगल बनाया, ये आप लोगों को डायरेक्टली पता चल जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे काम करता है ये, तो स्लोप निकालने का काम में आता है आपका क्लिनोमीटर, है ना। इस तरह का काम है, सस्पेंडेड ये आपका वेट लटका रखा है हम लोगों ने, यहाँ पर से आप लोग 0 डिग्री है, 1, 2, यहाँ से आप लोगों सारे डिग्रीज आप लोगों यहाँ पर मेंशनड है, दोनों डायरेक्शन में मेंशनड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखो प्लम्ब बोब क्या होता है, तो प्लम्ब बोब है ना, आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने मिस्त्री के पास देखा होगा, इस तरह का ना एक डिवाइस आप लोगों ने यहाँ पर देखी होगी ना, लट्टू सा लटका रहता है, लट्टू सा लटका रहता है ना, इस तरह की डिवाइस आप लोगों ने देखी होगी, धागे से बांध के रखता है ये, इसको प्लम्ब बोब कहता है। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये आप लोगों का एक तरह से सेंटरिंग करने के काम में आता है, ये आप लोगों का सेंटरिंग करने के काम में आता है। देखो सेंटरिंग करने के काम आता है, इसका मतलब देखो जैसे अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, है ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, लेट मी से ये आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, अब ये इंस्ट्रूमेंट आपका हवा में ये तो फिलहाल है ना, देखो ग्राउंड पे तो है नहीं, है ना, ये तो आपका एयर के अंदर है ना, बिल्कुल ये सपोर्ट के माध्यम से ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो अब आप लोग इसको ग्राउंड पे ट्रांसफर कैसे करेंगे, कि ये ग्राउंड के ऊपर जो है, इसकी पॉइंट, इसकी लोकेशन ग्राउंड के ऊपर कहाँ है ना। तो ग्राउंड के ऊपर लोकेशन ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि मैप बनाओगे तो ग्राउंड का बनाओगे ना, बिल्कुल, तो ग्राउंड के ऊपर लोकेशन ट्रांसफर करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्लम्ब बोब को लटका देते हैं, प्लम्ब बोब को लटका देते हैं ना, प्लम्ब बोब को लटका देते हैं, प्लम्ब बोब को लटका के आप लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पर टच कर रहे हैं जमीन के अंदर, है ना। ये जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना, इंस्ट्रूमेंट के नीचे खांचा रहता है एक छोटा सा, है ना, इंस्ट्रूमेंट के नीचे खांचा रहता है छोटा सा, है ना, उसमें से लटका देते हैं अपन डायरेक्ट, है ना। जो भी इंस्ट्रूमेंट दिखेगा वो इंस्ट्रूमेंट के नीचे खांचा दिखेगा आपको, है ना। तो जिस जगह जमीन पर टकराया है, तो ये पर्टिकुलर जो पोजिशन है, ये ए पोजिशन है आप लोगों की, इसको आप लोकेट कर देना, इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट खड़ा हुआ है, इसी के जस्ट अबव इंस्ट्रूमेंट खड़ा हुआ है, तो ये सेंटरिंग की हमने, जो इंस्ट्रूमेंट एयर के अंदर है उसी को आपने ग्राउंड पर ट्रांसफर किया, यानी कि जो पॉइंट आपका एयर में है उसको ग्राउंड पर ट्रांसफर करने की प्रोसेस, ये आप लोगों को प्लम्ब बोव आप लोगों का काम में आता है ना। तो डेट इज दी प्लम्ब बोव, डेट इज दी प्लम्ब बोव, है ना। तो ये प्लम्ब बोव ये काम में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन करना है नॉर्मल पुल फॉर अ टेक 20 मीटर लॉन्ग स्टैंडर्डाइज्ड एट अ पुल ऑफ 30 kg। देखो ये टेक नहीं है, टेप है ना, दिस इज द टेप, ठीक है, दिस इज द टेप। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है आप लोगों से यहाँ पर कि डिटरमाइन करना है आपको नॉर्मल पुल फॉर अ टेप ऑफ 20 मीटर, है ना। देखो टेप के बारे में दे रखा है, देखो क्या क्या दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्डाइज पुल दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया टेप का दे रखा है, वेट ऑफ द टेप आपको दे रखा है 20 ग्राम, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको इतना दे रखा है। देखो क्वेश्चन को देखते ही, डाटा देखते ही समझ में आ जाता है हमें, है ना, क्वेश्चन का डाटा देखते ही आपको पता चल रहा है कि सर ये बहुत ही बड़ा डाटा आपको दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिलहाल, लेकिन अभी हमें यहाँ पर करना है परफॉर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आप लोगों से यहाँ पर इसने स्टैंडर्डाइज पुल की बात कर ली है इसने, है ना, पुल की बात कर ली है, पुल की बात करने के बाद इसमें वेट की बात कर ली है, वेट ऑफ द टेप पर मीटर भी बात कर दी है ना, यानी कि सैग करेक्शन की बात करेगा ये सीधे सीधी, है ना। तो सैग करेक्शन की बात करेगा तो उसमें स्क्वायर क्यूब होता है, तो स्क्वायर क्यूब करने में बहुत टाइम लग जाता है आप लोगों को, दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर छोड़ना चाहिए आपको, है ना, क्वेश्चन देखते समझ में आ जाता है ना। तो जैसे कि डिटरमाइन करना है नॉर्मल पुल आपको दे रखा है टेप का, 20 मीटर लंबी टेप है और पुल आप लोगों को दे रखा है ना। तो देखो यहाँ पर तो देखता हूँ स्टैंडर्डाइज, यहाँ पर तो लिखता हूँ मैं स्टैंडर्ड, यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड आप लोगों को क्या दे रखा है, जो टैप की जो लेंथ है, टैप की लेंथ है 20 मीटर, 20 मीटर टैप की लेंथ है ना, 20 मीटर, तो टैप की लेंथ है आप लोगों की 20 मीटर, स्टैंडर्ड टैप लेंथ 20 मीटर है, और जो कितने पुल पे लगी है, तो पुल जो आप लोगों का स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे है वो है 30 kg, वो है 30 kg, है ना, 30 kg। जो एरिया आप लोगों को बोला हुआ है, एरिया जो आप लोगों को बोला हुआ है, वो आपको बोला हुआ है 0.5 cm², 0.5 cm², वेट ऑफ द टेप आप लोगों को दे रखा है, वेट ऑफ द टेप आप लोगों को दे रखा है, डेट इज दी पर मीटर इज 20 ग्राम, है ना। तो 20 ग्राम पर मीटर, 20 ग्राम पर मीटर है, 20 ग्राम पर मीटर, है ना। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप लोगों को दे रखा है, ई ई की वैल्यू दे रखी है 21 × 10⁵, है ना, 21 × 10⁵ kg/cm², ये दे रखा है आप लोगों को नॉर्मल पुल की कंडीशन। देखो नॉर्मल पुल क्या होता है, नॉर्मल पुल क्या होता है, अब देखो ये कंडीशन देखो नॉर्मल पुल की, है ना, नॉर्मल पुल की कंडीशन अपने आप में खतरनाक है ना, जहाँ पर नॉर्मल पुल दिख जाए वहाँ पर पहले क्वेश्चन छोड़ देना, अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, है ना। लेकिन मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा, है ना, मुझे तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है अभी हमें, है ना,
चलो देखो, तो करते हैं नॉर्मल पोल की कंडीशन। देखो व्हाट इज द नॉर्मल पोल, व्हाट इज द नॉर्मल पोल, व्हाट इज द नॉर्मल पोल, है ना। नॉर्मल पोल होता क्या है देखो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, चेन के साथ दो ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो चेन को अगर यदि यहाँ पर मैंने क्या किया, ये चेन है या टेप है जो भी मानो आप लोग, यहाँ पर ये टेप है पर्टिकुलर, है ना। अगर इस टेप को है ना आप लोग यहाँ पर दो ऑपरेशन करने हैं आप लोग, ठीक है। तो इस चेन पे आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है देखो, तो सबसे पहले तो क्या है आप लोगों को, इसका हम सबसे पहली बात, सबसे बेसिक चीज कि सर चेन से हमें मेजरमेंट करने के है ना, ग्राउंड के ऊपर मेजरमेंट करने के है ना। तो ग्राउंड में मेजरमेंट करते टाइम मैं इसको खींचूंगा, अभी से मैं इसको खींचूंगा, बिल्कुल सर खींचूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर पुल के अंदर वेरिएशन आया, देखो जितने स्टैंडर्ड पुल पे मैंने इसको बनाया है, स्टेप को मैंने जितने स्टैंडर्ड पुल पे बनाया है ना, आप उतने ही पुल पे खींचो। ज्यादा पे खींचोगे तो ज्यादा तरह से खिंच जाता है, तो मटेरियल है ना, मटेरियल आप लोगों का कभी कभी क्या होता है लेंथन हो जाता है ना। जब आप उसको छोड़ते हो तो वापस से वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, डिपेंड्स ऑन टेप की क्वालिटी, है ना, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इस पर पुल लगाओगे, जब आप इस पर पुल लगाओगे है ना, जब आप इस पर पुल लगाओगे, ठीक है, जब आप इस पर पुल लगाओगे है ना, तो पुल लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड टाइम पे आप लोगों ने कितना पुल लगाया था और एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आप कितना पुल उसके ऊपर यहाँ पर आप अप्लाई करने वाले हो, है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये देखना है ना। अब सेकंड चीज क्या है कि सर देखो, जब मैं काम कर रहा हूँ तो पुल के ऊपर ध्यान देना है, तो पुल आपको सटीक मात्रा में लगाना है। पुल अगर ज्यादा लगाया तो ज्यादा तरह से स्ट्रेंथ, जब क्या कहते हैं, ज्यादा तरीके से लेंथन हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी आपकी टेप, है ना। जब आप कम लगाओगे तो वो थोड़ी सी ढंग से नहीं बैठेगी आपकी टेप, है ना। तो पुल से इंपैक्ट पड़ा, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि अगर सर देखो, अगर आपने पुल को ढंग से अच्छे तरीके से नहीं अप्लाई किया तो आप लोगों का यहाँ पर क्या आ सकता है, आप लोगों का सेग भी आ सकता है। देखो सेग का करेक्शन अलग है, पुल की वजह से करेक्शन अलग लगेगा, है ना। तो सेग भी आ सकता है, सेग से बचने से भी लगाना है आप लोगों को, पुल भी बराबर लगाना है ना। ज्यादा तरीके से खींचोगे तो चेन की लेंथ खुल जाएगी आप लोगों की, है ना। जो टेप ना कोई भी चीज को, रबड़ को खींचना आप लोग, तो लेंथ खुल जाती है ना थोड़ी बहुत, तो वैसे थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा टेप की लेंथ के अंदर, है ना। तो सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ तो पुल से भी बचाना है और साथ में सेग से बचाना है ना, सेग से भी बचाना है, यानी कि सेग का इंपैक्ट भी नहीं पड़े, पोल का इंपैक्ट भी नहीं पड़े। तो आप लोग इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि आप पुल इतना लगाते हैं, इतने अमाउंट का पुल लगाते हैं जो कि सेग को न्यूट्रलाइज करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इस तरह का पुल लगाएंगे जो कि सेग को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं ना। तो करेक्शन ड्यू टू सेग, इसको न्यूट्रलाइज करना है आप लोगों को, इसलिए आप लोग करेक्शन ड्यू टू पुल लगाते हैं, इतना ही पुल आप लोग लगा देते हैं। इन दोनों का करेक्शन को न्यूट्रलाइज कराना है बेसिकली। तो करेक्शन ड्यू टू स्लेग लगता है आपका डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन 24 पीएम स्क्वायर की टर्म में, है ना। और यहाँ पर आप लोगों का ये जो करेक्शन ड्यू टू पुल लगता है वो लगता है आप लोगों का पीएम माइनस पी नोट इंटू एल अपॉन एरिया इंटू इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिक मॉडुलस, है ना। ये आप लोगों का इस टर्म में आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। चलो देखो, अब आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें करनी है ना। अब डब्ल्यू जो है आप लोगों को यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है, पर मीटर में दे रखा था, स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है ना। कैपिटल डब्ल्यू करूंगा तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, डेट मीन्स 20 इंटू 20, डेट मीन्स आप लोगों को 20 इंटू 20, है ना, 20 मीटर और 20 ग्राम है ना। अब इस ग्राम में ये 20 मीटर है ना, तो मीटर इंटू ये पूरा पूरा मामला आपका जो टोटल वेट ऑफ द चेन, ये आप लोगों नहीं बैठा, ये ग्राम पर मीटर में, ये इंटू मीटर के अंदर, है ना। तो ये आपका बैठ गया कितना, ये आप लोगों का बैठ गया, अच्छा ये हो गया ग्राम के अंदर, ये आप लोगों का हो गया, ये आप लोगों का मीटर के अंदर, हाँ ठीक है। तो ये आप लोगों का बैठ गया पूरा पूरा पर्टिकुलर मामला, तो ये हो गया आप लोगों ने यहाँ पर 400 ग्राम, है ना। इसको आप लोग यहाँ पर केजी के टर्म में चेंज करेंगे तो आप लोगों का हो गया 0.4 केजी, ये हो गया 0.4 केजी, है ना, ठीक है। चलो अब लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू होगा 0.4 का स्क्वायर इंटू आप लोग यहाँ पर कर देते हैं लेंथ, डेट इज 20 मीटर, है ना, अपॉन 24 का 24 इंटू पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। ये आप लोगों को पता नहीं है, ये आप लोगों को निकालना होता है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर निकालना है ना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर डिटरमाइन करना नॉर्मल पुल, पुल निकालना है आप लोग यहाँ पर पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, है ना। अब देखो पी एम जो है आप लोग ये फाइंड आउट करना है, पुल एट द टाइम ऑफ अप्लाइड आप लोगों को 30 केजी दे रखा, पी माइनस 30 हो जाएगा, है ना, इंटू एल जो लेंथ है वो 20 मीटर आप लोगों को दे रखी है, एरिया जो है आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करना। देखो एरिया आप लोगों को यहाँ पर सही टर्म में पुट करना है। देखो यहाँ पर मैं ना ये पूरा पूरा मामला, ये पूरा पूरा मामला आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से देखना। देखो ये आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, ये E की वैल्यू 21 × 10⁻³ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है ना। तो ध्यान से देखना है आप लोगों को, है ना। तो ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर लें आप लोग, है ना, इंटू आप लोग यहाँ पर इसको पुट करें 21 × 10⁵ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल है, तो केजी के टर्म में चलेगी पूरी वैल्यू, है ना। यहाँ से पीएम आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है एक्चुअली, है ना। यहाँ से आप लोग यहाँ पर पीएम कैलकुलेट करें, यहाँ से पीएम स्क्वायर, सॉरी 24 पीएम स्क्वायर है। तो यहाँ से आप लोगों को टोटल मिला के पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट आपको कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत ही हैवी टास्क आपका बन जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ पर है ऑलरेडी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 35.54 है, लगभग बराबर
36.8 केजी के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। तो अब नी एंड नियर अबाउट ऑप्शन आप लोगों का बी है, तो वही टिक करना पड़ेगा हमें। बट बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि इसमें ना लिमिटेशन है आप लोगों की, ये स्क्वायर वगैरह आप लोग यहाँ पर ये चेंज करनी पड़ेगी आप लोगों ना, ये निकालना पड़ेगा आप लोगों, जो बहुत टफ पड़ जाता है और टाइमिंग आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। इससे नॉर्मल पुल का क्वेश्चन आया तो आप लोगों को छोड़ ही देना होता है, कुछ नहीं करते हम, करेक्शन ड्यू टू सेक, करेक्शन ड्यू टू पुल को बनाते हैं, यानी कि पुल आप इतना भी मत लगाओ कम कि दिक्कत आ जाए आपका सेक जनरेट हो रहा है, और तो आप लोग नॉर्मल पुल की कंडीशन वही है जिसमें ना तो सेक जनरेट हो ना पुल, ना आप लोगों को पुल की वजह से ज्यादा ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर कोई करेक्शन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है ना, या फिर कह दूं लेंथ एलोंगेट हो जाए तो आप लोग अगेन करेक्शन आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिक तरीके से चीजें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट, कौन सी चेंजेस, 33 फुट लॉन्ग है बताओ, और मोस्टली यूज करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे में। देखो कैडेस्ट्रियल सर्वे आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बाउंड्री निकालने, फिक्सिंग ऑफ बाउंड्री लाइन के काम में आता है, तेरा घर मेरा घर, तेरा खेत मेरा खेत, है ना। तो वहां पर हम ऐसी पर्टिकुलर चेन को काम में ले सकते हैं। तो डेट चेन 33 फिट की लंबी है, वो है आपकी रेवेन्यू चेन, है ना, 16 लिंक होता है ना, ठीक है। तो रेवेन्यू चेन है आप लोगों की यहाँ पर, बाकी चेन्स नहीं है आप लोगों की, ठीक है। और गंटर चेन को सर्वे चेन, सर्वेइंग चेन के नाम से भी जानते हैं, 66 फिट की है या 66 फिट की है। और मेट्रिक चेन आप लोगों को यहाँ पर जो 20 मीटर 30 मीटर दोनों की देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टील बैंड है वो, बैंड चेन नहीं है, स्टील बैंड है वो, है ना, ठीक है। देखो तो ऑन अ रफ टेरेन अचीवेबल एक्यूरेसी, ये हम बात कर चुके हैं, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर आप चेन सर्वे के अंदर 1/1000 की एक्यूरेसी ऑन अ फ्लैट रीजन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ्लैट रीजन। लेकिन आप लोगों को रफ टेरेन के बारे में बात की गई तो रफ टेरेन के अंदर 1/250 तक की पर्टिकुलर एक्यूरेसी आप लोगों की चली जाती है ना, यानी कि 1/250 की आप मेंटेन करके रखते हैं, दैट इज द अचीवेबल। क्योंकि आप स्टीपिंग मेथड कितना भी कुछ लगा लें, हिली हिली कंडीशन के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों का एज कम्पेयर टू, क्योंकि चेन बिछाने के अंदर ना थोड़ी सी बहुत ऊपर नीचे आप लोगों को गलतियां आप लोगों की यहाँ पर होती रहती है ना। ऑफसेट दो टाइप के होते हैं, देखो ऑफसेट दो टाइप के होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑफसेट आर दी लेटरल मेजरमेंट, ये चेन लाइन आप लोगों की गुजर रही है, इस चेन लाइन से आप लोग यहाँ पर डिटेलिंग लेना चाह रहे हैं स्पीड की, है ना। तो स्पीड की डिटेलिंग दो तरीके से ले सकते हैं, पहली डिटेलिंग ले ली मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर स्टेब्लिश करके, है ना, ये मेजरमेंट ले लिया हमने, है ना। सेकंड मैं ले सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं ले नहीं पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, यहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आप लोगों का आ गया, तो आप लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ऑब्लिक भी आप लोग यहाँ पर खींच सकते हैं ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, है ना। परपेंडिकुलर ऑफसेट और ये वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला ऑब्लिक हो गया, किसी अदर एंगल पे आप बनाओगे तो दिस विल बी टर्म डेट, और 90 के अलावा किसी भी एंगल पे गया ना तो ये ऑब्लिक ऑफसेट है, और ये आप लोगों का परपेंडिकुलर ऑफसेट है, दिस इज दी परपेंडिकुलर, है ना। तो दो ही तरह के ऑफसेट ने आप लोगों का, इसके अलावा ऑफसेट नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। तो डेट इज द परपेंडिकुलर एंड, तो देखो यहां पर देखा है, डेट इज द स्ट्रेट और ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, परपेंडिकुलर कर्व ऑब्लिक, और ये सारी के सारे मामला दे रखा है ना। तो इसमें से, इस पर्टिकुलर में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, परपेंडिकुलर और ऑब्लिक आप लोगों का आंसर है ना, परपेंडिकुलर और ऑब्लिक आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आप लोगों को यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर और ऑब्लिक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों को नीचे, ऑफसेट और परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक, है ना। स्टार पॉइंट है, इसमें से एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, पहले बता दो, है ना, परपेंडिकुलर एंड ऑब्लिक, ये करेक्ट आंसर मिलेगा, ठीक है। सारे ऑप्शन गलत हैं आपके, है ना, सारे ऑप्शन गलत हैं। देखते हैं गंटर्स चेन आप लोगों की यहाँ पर कितने मीटर लोंग है। देखो गंटर्स चेन आप लोगों कितने कितने आती है, गंटर्स चेन आप लोगों की 66 फिट की आती है। आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, देखो ऑफसेट को आप लोगों को यहाँ पर चेंज करना, आप लोगों को यहाँ पर जो है बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। और ये आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस कितने फिट की निकलेगी, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रेस्ट चेंज जो है ना ये आप लोगों को मिलेगी, और टोटल आप लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं फिट को, तो 20.12 मीटर लंबी है ना। लेकिन मैं अलग अदर अदर की बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो आप लोग यहाँ पर उठा के देखें, तो जैसे कि मैं बताता हूँ रेवेन्यू चेन के बारे में अलग से, है ना, रेवेन्यू चेन के बारे में अलग से, तो रेवेन्यू चेन जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, डेट इज दी 33 फिट लॉन्ग, 33 फिट लॉन्ग, इसको आप लोग यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये आप लोगों का निकल के आएगा 10.06 मीटर की, है ना, 10.06 मीटर की, है ना। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लगाएंगे गंटर्स चेन को, गंटर्स चेन को, है ना, गंटर्स चेन को बता ही दिया, गंटर्स चेन, सर्वे सर्विंग चेन भी इसी को बोलते हैं, ये आप लोग मिलेगी 20.12 मीटर की, है ना। ये आप लोग डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेना, है ना, एक बार को, ठीक है। इंजीनियर्स चेन, है ना, इंजीनियर्स चेन, है ना, इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर्स चेन आप लोगों को 100 फिट की देखने को मिलती है, 100 फिट की देखने को मिलती है, 100 फिट की देखने को मिलती है, और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा 30.48, है ना, मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा, एक आती है आपकी मेट्रिक चेन, मेट्रिक चेन, है ना, मेट्रिक चेन, मेट्रिक चेन आप लोगों को मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर 30 मीटर के अंदर, और देखो ये तो मीटर के अंदर ही मिलती है ऑलरेडी, 30 मीटर के अंदर या 20 मीटर के अंदर, देखो
तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को रिलेशन पता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को रिलेशन नहीं पता है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, एक फिट के अंदर है ना, फिट का रिलेशन बताते हैं ना, एक फिट के अंदर है ना, फिट को चेंज करना, एक फिट के अंदर 0.3048 मीटर आप लोगों के यहाँ पर मिलता है ना, ये इतना मीटर होता है एक फिट के अंदर है ना। तो एक फिट का लिया आप लोग यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आप 66 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 66 के साथ, 66 फिट के साथ, है ना। तो आप लोगों का यहाँ पर निकल के आएगा 20.12 मीटर, है ना। तो ये आप लोगों का ये करेक्ट आंसर निकलेगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं, सिंपली आप लोगों को फिट को मीटर में चेंज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप रिवर्स भी कर सकते हैं ना इसी पर्टिकुलर चीज को, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक 30 मीटर की टेप थी, उसको टेस्ट किया हमने बिफोर अ सर्वे और फाउंड आप लोगों को मिली कितनी, 29.93 मीटर की, है ना। देखो तो, और आप लोगों जो लेंथ ऑफ लाइन मेजर की थी स्टेप 270 थी, आप लोगों को ट्रू लेंथ ऑफ लाइन निकालनी है ना। देखो वही है, ट्रू इंटू ट्रू, फॉल्स इंटू फॉल्स वाला केस है ना। ये जितने भी इस तरह के केस है जिसमें गलत मेजरमेंट करोगे, वो ट्रू इंटू ट्रू इंटू फॉल्स इंटू फॉल्स है ना। तो ट्रू लेंथ को मैं स्मॉल एल से कैपिटल से मेजर्ड लेंथ को दिखा देता हूँ, और यहाँ पर मैं इनको रेस्पेक्टिवली इसी टर्म में लिख देता हूँ। इससे क्या होता है, इस टर्म में लिखने से पता क्या होता है कि अगर कहीं एरिया होता है ना, तो वो आराम से आप लोगों को यहाँ पर पूरे को एरिया के टर्म में आप लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 30 मीटर की टेप से आप लोगों को मेजरमेंट करना था, 30 मीटर की टेप है, उसको टेस्ट किया आप लोगों ने सर्वे के अंदर, और आपको मिली कितनी, 29.93 मीटर की, है ना। लेंथ ऑफ लाइन आपने मेजर की 270 मीटर। एक बार बताओ, 30 मीटर की टेप है, वो 29.93 मीटर की लेके गए और उससे मेजरमेंट करके लेके आए, तो एक बार बताओ ये गलत, ये तो सही, ये तो करेक्ट लेंथ तो आपकी 30 मीटर थी, है ना। गलत आप उठा के लेके गए 29.93 मीटर वाली चेन, अब इससे मेजरमेंट करोगे ये भी तो गलत आएगा। देखो 30 मीटर की टेप को टेस्ट किया, इसका मतलब टेप को बनाना था 30 मीटर का, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप आपको जो बनानी थी 30 मीटर की बनानी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आपको बनानी थी 30 मीटर की, है ना। लेकिन आपको टेस्ट करने पे उसकी लेंथ मिली है 29.93, डेट मीन फॉल्स लेंथ आई, ये फॉल्स लेंथ आई, है ना। ट्रू लेंथ ऑफ टेप 30 मीटर थी, मार्किंग 30 मीटर की हो रखी होगी, है ना, टेप के ऊपर, इसलिए 30 मीटर की टेप कह रहे हो आप उसको पहले। तो 30 मीटर की टेप को टेस्ट किया, 30 मीटर की टेप लेके गए मैं मार्केट में, बाद में पता चला 29.93 मीटर की है ना। तो फॉल्स फॉल्स लेंथ तो आपकी 29.93 हो गई है ना। अब जो मेजरमेंट लेके आया वो गलत टेप से लेके आया, तो ये मेजरमेंट सही आएगा गलत आएगा, गलत आएगा गलत आएगा, गलत के साथ पुट कर दो 270 के साथ, इनटू आप लोग यहाँ पर कैपिटल एल लेंथ लिख दो, ये आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर निकाल के दे देंगे, है ना। तो बन जाएगा ये पर्टिकुलर, देखो तो ये वैल्यू देखो आप लोगों को 270 से कम जाने वाला है वैल्यू, है ना, 270 से कम जाने वाला है वैल्यू, है ना। डिवाइड बाय 30 होगा तो 270 से कम बनेगा। देखो इसको देख लो आप लोग, यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट करने मत बैठना, वो भी नहीं चाहता आप लोग कैलकुलेट करने बटे, है ना। देखो इसलिए देखो ऑप्शन ही इस तरह से सिलेक्ट करके देखा, बी ऑप्शन करेक्ट निकल जाएगा डायरेक्ट आंसर आप लोगों का, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट निकल जाएगा, 269.37 मीटर, है ना। इससे देखो कम बैठ रहा है ये, आप पूरा मामला है ना, ये वैल्यू लेस देन 270 जाने वाली है, तो 270 से कम एक ही ऑप्शन दे रखा आप लोग SSCJE के अंदर 2070। इन अ चेन सर्विंग वर्क ऑफ अ ट्रेवर्स इट इज नेसेसरी टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू सेक फॉर अ टेप, द करेक्शन इज, सेक करेक्शन के बारे में पूछा है, सेक करेक्शन कैसा रहेगा, सेक के द्वारा जो एरर आती है वो एरर कैसी आती है। देखो सेक का मतलब है ये, सेक का मतलब है झूल जाना टेप का, है ना। तो सेक की वजह से ये जो ए बी लेंथ है चेन की, ये 30 मीटर दिखा रही है ना, लेकिन ये टेप के ऊपर 30 मीटर मार्किंग है, और ए बी लेंथ को बिल्कुल स्ट्रेटली पकड़ के रखेंगे तो इतनी लेंथ को 30 मीटर दिखानी चाहिए, लेकिन सेक आ गया तो टेप थोड़ी सी झूल जाएगी, अब ये पहले ही खत्म हो जाएगी, है ना। अब ये इस एसी लेंथ को आप लोगों को 30 मीटर बता रही है, तो ऑब्वियस बात है ना, ये लेंथ तो एक्चुअल में कम है, ये लेंथ तो एक्चुअल में कम हो गई, ये लेट मी से 29 मीटर की लेंथ है, इसी को ये क्या कर रहा है, टेप के ऊपर 30 मीटर दिखा रहा है, यानी कि +1 मीटर ज्यादा दिखा रहा है। तो एरर कितना आया, +1 का एरर है, +1 ज्यादा दिखा रहा है, +1 का एरर है, +1 का एरर है, तो उसको इलिमिनेट करने के लिए आप -1 करेंगे, -1 मीटर करेंगे, डेट इज -1 आप लोगों का यहाँ पर क्या रहेगा, ये एरर है तो ये आपका करेक्शन बनेगा, तो करेक्शन आप लोगों का -1 बनेगा, है ना। तो करेक्शन जो है ऑलवेज नेगेटिव आने वाला आप लोगों का ड्यू टू दिस सेक, है ना, ड्यू टू दिस सेक, ड्यू टू दिस सेक, ये आप लोगों का करेक्शन ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, बी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जब लेवलिंग को आप लोग करते हैं इन बिजी कंस्ट्रक्शन साइट, तो आप हैंड सिग्नल देते हैं। देखो ये हैंड सिग्नल वाला जो काम है ना, ये आप लोगों को यहाँ पर याद ही रखना पड़ेगा, सॉलिडली आप लोगों को ही याद रखना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर ना, मैं 2-3 चीजें समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना। जैसे ये क्या कह रहा है, हैंड सिग्नल करना है मूवमेंट ऑफ राइट आर्म बाई 30 डिग्री, है ना। राइट आर्म का मूवमेंट आप लोगों को 30 डिग्री बनाना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसा मूवमेंट बनाने की बात कर रहा है ना। देखो ये आदमी बना रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप लोग यहाँ पर ही मान के चल लेना कि मैं जो भी बना रहा हूँ वो पर्टिकुलर ठीक ही मानो आप, है ना, पर्टिकुलर ठीक ही मानो, है ना।
30 डिग्री का एंगल बनाएगा, कितना बनाएगा 30 डिग्री का, है ना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, देखो ये इससे ज्यादा 30 डिग्री नहीं बनेगा, और जो हैंड का मूवमेंट है इस तरह से करेगा, है ना, यानी कि इस तरह से करेगा, ये देखो आपको जिस भी डायरेक्शन देखने को मिले, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस तरह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ज्यादा नहीं 30 डिग्री का एंगल बनाते हो, है ना, ठीक है, तो लेवलिंग करेगा, ये इंस्ट्रूमेंट मैन आप लोगों को 30 डिग्री का राइट आर्म से बनाएगा एंगल, और मूवमेंट करेगा इस तरह से, है ना, राइट राइट डायरेक्शन, राइट आर्म से कर रहा है, राइट आर्म से कर रहा है, इसका मतलब है सीधी सीधी बात है कि मूव करो, देखो सामने वाले से मैं सीधे हाथ से ऐसे ऐसे करूंगा, तो इसका मतलब ये तो कहूंगा ना कि तू तो इस डायरेक्शन में जा, राइट डायरेक्शन में जा, अरे यार सीधी सी बात है, आप किसी से कह रहे ऐसे बोले ऐसे बोले, तो सीधी बात ये कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में चला जा, इस डायरेक्शन में चला जा, अब राइट, अब आप राइट हार्म से हैंड सिग्नल दे रहे हो, तो आप ये तो चाह रहे हो कि राइट हैंड साइड से भागे वो बंदा, हाँ तो राइट साइड से भागेगा बंदा, बंदा राइट साइड में जाना चाहिए, अब राइट साइड में किसी बंदे को बुला रही है, तो सिंपल है, किसी बंदे को राइट साइड में बुलाना क्या होगा ना, कि राइट से इधर घूम, लेफ्ट से घुमाना तो लेफ्ट से कहोगे इधर घूम, है ना, ठीक है, देखो कैमरा जो है मिरर एंगल दिखा रहा है, तो मेरा राइट और लेफ्ट आप लोगों का राइट और लेफ्ट अलग हो सकता है मे बी, है ना, तो आप लोग देख लेना कैमरा जो है अलग एंगल से दिखाता है आप लोगों का ना, तो इमेज मेरी चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है, अपोजिट हो जाती है ना, देख लेना आप लोग, है ना, तो राइट लेफ्ट का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है उसके अंदर, है ना, तो उसका मतलब सीधा ये समझो आप कि राइट डायरेक्शन के लिए मूवमेंट कर रहा है, राइट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे बुला रहा है, तो कह रहा है कि इस साइड में आ, है ना, सीधे में राइट डायरेक्शन में आ, इसलिए राइट साइड से सिग्नल दे रहा है ना, तो ये राइट साइड से नहीं जा रहा है, इसका मतलब या तो ये निकलेगा ये निकलेगा, है ना, अब देखो इसमें ना दो तीन तरह के सिग्नल है, दो तीन तरह के सिग्नल है, अब देखो एक तो है ये यहाँ पर ऊपर से बुला सकता है, एक के नीचे से बुला सकता है ना, अगर अगर बंदा यहाँ पर ऊपर से 30 डिग्री के एंगल बना रहा है ना, देखो दो तरह से बनाएगा, एक तो या तो ऐसे बनाएगा, या फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तो देखो एक ही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को ना, ये मेरा बन गया है डायग्राम, बड़ा अच्छा है ना, या वो ऐसे बनाएगा, या वो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, है ना, या तो 90 डिग्री के एंगल की बात करेगा, 30 डिग्री के एंगल की बात करें, है ना, अब देखो 90 डिग्री के एंगल 30 डिग्री के एंगल में दिक्कत क्या है ना, जब ये 30 डिग्री से बनाएगा तो समझ लो आप लोग यहाँ पर ये टॉप ऑफ दिस स्टाफ को राइट कह रहा है, यानी कि क्या कह रहा है कि सर आप लोगों ने जो स्टाफ है ये स्टाफ को आप लोगों ने ऐसा पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसा घुमाओ, टॉप ऑफ द को टॉप टॉप को आप लोग यहाँ पर ऐसा घुमाओ, ये है इसके कहने का मतलब, देखो ये याद ही करने पड़ेंगे आप लोगों को इंस्ट्रक्शन से, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को यहाँ पर याद ही रखने पड़ेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर लेफ्ट आर्म से जाते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पर लेफ्ट आर्म से, देखो ये एक तो इस तरह का सिग्नल हो गया, एक इस तरह का सिग्नल हो गया, है ना, एक इस तरह का सिग्नल हो गया, एक इस तरह का सिग्नल हो गया, देखो अगर मूवमेंट, देखो यहाँ पर मैं मूवमेंट लिख देता हूँ, एक बार मूवमेंट लिख देता हूँ, कुछ एक मूवमेंट याद रख लो आप लोग, है ना, देखो डायरेक्टली याद ही करने पड़ेंगे आप लोगों, और कोई बात नहीं है, या तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल वर्क किया हो, नहीं किया हो तो देख लेना, मूवमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर लेफ्ट आर्म से, लेफ्ट आर्म से लेफ्ट आर्म ओवर 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, ये भी याद रख लो आप लोग, है ना, तो इसका मतलब है आप लोग 90 डिग्री से कह रहे हैं ना, 90 डिग्री से कह रहे हो आप लोग, 90 डिग्री से कहने का मतलब है कि आप लोग उसको बुला रहे हैं यहाँ पर, है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में बुला रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में आप लोग यहाँ पर बुला रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन आप लोगों का रहेगी सर लेफ्ट डायरेक्शन से आप यहाँ पर 90 डिग्री पर काम करेंगे, तो देख लो, देखो इसमें क्या है, देखो दो तरह से है ना, एक तो देखो यहां से देखो चालू किया लेफ्ट हैंड से, ये देखो राइट और लेफ्ट जो है ये मैं मेरी तरफ से देखो तो राइट है ना, देखो मैं राइट से दिखा रहा हूँ, मेरी तरफ से राइट दिखा रहा हूँ ना, और एक तो देखो ये 30 डिग्री तक मैंने एंगल बनाया है, और एक ये मैंने 90 डिग्री तक एंगल बनाया है ना, देखो तो अब देखो तो मूवमेंट है लेफ्ट आर्म से ओवर 90 डिग्री, एक आ जाता है आपका, देखो लेफ्ट से बोला है अभी मैंने, राइट का बना के लेफ्ट से बता दिया ना, लेफ्ट से देखोगे तो लेफ्ट से दे देगा सिग्नल, है ना, देखो मैं एक तरह से बना रहा हूँ, दो तरह के बना रहा हूँ, लेफ्ट से भी सिग्नल दे सकता है, राइट से भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे से दो दो बार मत बनवाओ डायग्राम, है ना, ठीक है, तो लेफ्ट से सिग्नल दे सकता है, राइट से दे सकता है, अगर लेफ्ट से 30 डिग्री तक सिग्नल दिया और या लेफ्ट से, या फिर आपसे कह दिया राइट से 90 डिग्री तक सिग्नल दिया, तो दोनों का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब है कि मूव कर दो आप यहाँ पर लेफ्ट से, मूव टू दी लेफ्ट, मूव टू माई लेफ्ट, है ना, मूव टू माई लेफ्ट, है ना, या मूव टू माई राइट, है ना, अगर राइट से करेगा तो राइट साइड में, यानी कि अगर मैं पूरा कर रहा हूँ इस तरह से, पूरा कर रहा हूँ इस तरह से, पूरा कर रहा हूँ इस तरह से, तो इसका मतलब है तू कि सामने वाले की पोजिशन से कह रहा हूँ कि सामने वाला पहले देखो ये पर्टिकुलर चेन लाइन है, ये पर्टिकुलर चेन लाइन है, इस पर्टिकुलर चेन लाइन से मैं कहूंगा कि तू स्टाफ यहाँ पर मत लगा, यहाँ पर मत लगा, तू खुद चल के इधर आ और यहाँ पर नई जगह पे स्टाफ लगा, है ना, तो मैं इसको इस डायरेक्शन में बुला रहा हूँ, इस डायरेक्शन में बुला रहा हूँ, है ना, डायरेक्शन दी के, ठीक है, सेम काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि देखो अगर मेरे को बंदे को इधर किसको आना है ना, सामने वाले को, है ना, तो मैं कहता हूँ कि सर तू इस साइड में जा, तू इस साइड में जा, तू इस साइड में, है ना, तो ये मेरा काम है, ये मैं 90 डिग्री से करता हूँ, मैं 30 से करता हूँ, इसका मतलब है कि आप लोग सिर्फ स्टाफ के ऊपर वाले हिस्से को घुमा, यानी कि स्टाफ को तो वहीं रहने दे, स्टाफ यहीं रखा है लेकिन स्टाफ यहाँ पर टेढ़ा रखा है, इसको सीधा करा रहा हूँ मैं ना, तो ये 30 डिग्री वाले एंगल से मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल इस तरह से आप लोग यहाँ पर दोनों 90 वाला भी याद रखो, 30 वाला भी याद रखना ना, फिलहाल मूव करना है आपको टॉप ऑफ द स्टाफ, 30 डिग्री का मतलब है सिर्फ स्टाफ के ऊपर ऊपर को घुमा, है ना, पूरा पूरे स्टाफ को लेके मत घूमे, है ना, स्टाफ तो सही जगह रखा हुआ है।
सर्वेयर चेन किसको कहते हैं? तो सर्वेयर चेन गंटर चेन कहते हैं, गंटर चेन इज 66 फीट लॉन्ग, है ना। तो ये बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है आपसे, द लेंथ ऑफ अ रोड मेजर्ड विद अ 30 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 300 मीटर, व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द रोड इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर देखो ये सेम है ना, वही मामला है कि सर सही को सही के साथ रखो और गलत को गलत के साथ रखो, गलत को गलत के साथ रखो, है ना। बस ये काम कर लिया, मामला होता है। देखो एक लेंथ ऑफ द रोड कंस्ट्रक्ट करनी थी, मेजरमेंट करनी थी 30 मीटर की चेन, है ना। 30 मीटर की चेन से मेजरमेंट करना था, एक बात बताओ, 30 मीटर की चेन से मेजरमेंट करना था, और आपको जो ट्रू लेंथ ऑफ द चेन जो आपको बाद में मिली वो 10 सेंटीमीटर लंबी मिली। देखो 30 मीटर की चेन में उठा के लेके गया, बाद में पता चला 10 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर लंबी इसका मतलब 30.10 मीटर की है ना, 30.10 मीटर की है ना, ठीक है। अच्छा बताओ अगर 30 मीटर की चेन से, अगर मेरे को यहां पर कह रहा है कि सर 30.10 की बाद में मिली, 10 सेंटीमीटर लंबी मिली है ना, 30 मीटर की चेन को उठा के लेके गया, बाद में 10 सेंटीमीटर लंबी जाएगी, सीधी सी बात है 30 सेंटीमीटर के लिए उठा के लेके गया था क्योंकि 30 मीटर से काम करना था मेरे को, लेकिन बाद में मिली कितनी, 30.10 मिली, 30.10 मतलब गलत चेन लेंथ मेरे को 30.10 आ गई गलती से, है ना, ठीक है। अब जो मेजरमेंट किया मैंने ये गलत चेन से किया होगा, बिल्कुल, तो गलत चेन से मेजरमेंट करूंगा तो गलत आएगा, बिल्कुल 300 मीटर गलत आएगा, तो सही मेजरमेंट ये रहेगा। अब देखो ये पर्टिकुलर मामला देखो इजिली सॉल्यूबल है, इजिली आप लोग यहाँ पर देखें तो इजिली तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये वैल्यू बन जाएगी आप लोग, ये 10 टाइम कटेगा, 301 मीटर बन गया। इस तरह के इजी इजी क्वेश्चन देता है आपको, ऐसे 19 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग। नेगेटिव एरर चेनिंग के अंदर किस किस वजह से आ सकती है? देखो नेगेटिव एरर आना, एरर का नेगेटिव आना, एरर का नेगेटिव आना, इसको समझना, एरर नेगेटिव बोला है इसने ना, इसका मतलब जो करेक्शन रहेगा वो करेक्शन आप लोगों का पॉजिटिव रहेगा। करेक्शन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। देखो सेग करेक्शन आपका कैसा रहता है? सेग करेक्शन आपका नेगेटिव रहता है, डेट मीन सेग की एरर कैसी आती है? सेग की एरर पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव एरर। चेन आपकी स्ट्रेट नहीं है तो इसमें कौन सी एरर आती है? देखो चेन आपकी स्ट्रेट नहीं है, चेन आपकी स्ट्रेट नहीं है, तो देखो चेन स्ट्रेट नहीं है ना आपकी, चेन टेढ़ी है। एक आता है आपका राइज इन टेम्परेचर, एक आता है चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू द रॉन्ग रेंजिंग। अब देखो ये सारी की सारी, देखो एक तो देखो सारी की सारी चीजें मैं एक साथ ही समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो क्या क्या कह रहा है, नेगेटिव एरर की कह रहा है, नेगेटिव एरर ही कह रहा है। देखो इनमें से दो तीन चीज तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है यार, सीधा क्यों नहीं बन रहा है, इतना ही मान देता हूँ। चलो देखो पहली चीज, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में राइज होने के चक्कर में, देखो टेम्परेचर तो बहुत आसान है ना, अल्फा टी एम माइनस टी नोट इंटू आप लोग यहाँ पर कर देते हैं इंटू एल, है ना, ये पर्टिकुलर आप लोगों का फॉर्मूला चलता है करेक्शन का, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर का, है ना। देखो अगर यदि टेम्परेचर राइज करेगा, तो टेम्परेचर राइज करेगा इसका मतलब देखो बन तो गई चेन, चेन तो बन गई, तो ओरिजिनल टेम्परेचर कुछ और रहा होगा। अब मेजरमेंट के टाइम पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये करेक्शन भी कैसा ज्यादा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, है ना। इसका नेचर डिपेंड करता है, अगर टी एम ज्यादा रहता है टी नोट से, तो ऑब्वियस बात है आप लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव करेक्शन आएगा, पॉजिटिव करेक्शन आएगा। अगर करेक्शन पॉजिटिव आएगा तो एरर कैसी आएगी? एरर आप लोग यहाँ पर नेगेटिव आएगी, है ना, एरर नेगेटिव आएगी, सीधी सी बात है ना। आप लोगों से पूछा है एरर आपकी कैसी आएगी, एरर आप लोग यहाँ पर नेगेटिव आएगी। अगर राइज इन टेम्परेचर आप लोगों का यहाँ पर निकल के आता है, तो अगर आप लोगों का यहाँ पर एरर नेगेटिव निकल गया, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एरर नेगेटिव आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर नेगेटिव एरर, बिल्कुल ये नेगेटिव एरर का रीजन है राइज इन टेम्परेचर। अब आता है एक चेन आप लोगों की स्ट्रेट नहीं है, और चेन जो है आप लोगों की गेटिंग आउट ऑफ लाइन आप लोगों की आ रही ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग, है ना। देखो मेरी जो है रेंजिंग करता, सही रेंजिंग करता तो मेरी चेन लेंथ मेरी ये निकल के आती है ना, मेरे को ये मेजरमेंट करना होता, पहली ये चेन लेंथ, दूसरी ये चेन लेंथ, है ना, ये L1 L2 का, है ना। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सही से रेंजिंग नहीं करी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले ये वाला इंटरमीडिएट पॉइंट मेरा इधर उधर किसके का, तो ये वाली लेंथ देखो आप लोग कंपेरेटिवली आप लोगों की यहाँ पर, ये जो आप लोगों को L2 डैश और L1 डैश दिख रहा है, ये आप लोगों को ज़्यादा देगी वैल्यू, है ना, L1 डैश प्लस L2 डैश आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा L1 प्लस L2 से, है ना। डेट मीन्स ये वाली लेंथ आपकी ज्यादा बन रही है, ये वाली लेंथ ज्यादा बन रही है ना, सीधी सी बात है लेंथ ज्यादा बन रही है, ये वाली लेंथ आप लोगों की ज्यादा निकल के आएगी, है ना। तो ये जो ट्रू डिस्टेंस बननी चाहिए थी ए बी की, वो ट्रू डिस्टेंस आप लोगों की गलत बनेगी, है ना। तो देखो ये जो ए बी की जो डिस्टेंस है, ए बी की डिस्टेंस है ड्यू टू द रेंजिंग आप लोगों की यहाँ पर ये ज्यादा निकल के आएगी, तो ये पॉजिटिव एरर का संकेत है ना। यानी कि ए बी की डिस्टेंस आप लोगों की 5 मीटर है एक्चुअल में, अगर मैं मान के चलूँ तो ये 5 मीटर की लेंथ है आप लोगों की ए बी की एक्चुअल में, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर रेंजिंग अच्छे से नहीं करेंगे तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट, है ना, इधर उधर। अब या इधर शिफ्ट हो उधर शिफ्ट हो, दोनों केस में लेंथ बढ़नी है ना, तो ये ए बी की लेंथ को आप लोगों को 6 मीटर बता के देगा, है ना। तो डेट मीन्स यहाँ पर देखो तो 5 मीटर को 6 मीटर बता के दे रहा है ना, चेन 6 मीटर बना के दे रहा है, डेट मीन्स पॉजिटिव एरर आप लोगों को यहाँ पर उठा के दे रहा है, पॉजिटिव एरर उठा के दे रहा है ना, ठीक है। सेम कह रहा है ये आप लोगों को, चेन आप लोगों की स्ट्रेट नहीं, चेन अगर यदि स्ट्रेट नहीं है, देखो चेन अगर स्ट्रेट है
चेन अगर स्ट्रेट है तो ये वाली पर्टिकुलर लेंथ को बोल रही है लेट मी से 5 मीटर, है ना। अब यहाँ पर चेन स्ट्रेट नहीं है, चेन बिल्कुल ऐसे खा के पड़ी हुई है, ऐसे बल खा के पड़ी हुई है और यहां तक पहुंच गई है, तो ऑब्वियस बात है 5 मीटर को 6 मीटर लिख के देगा, 5 मीटर को 6 मीटर लिख के देगा, है ना, 5 मीटर को 6 मीटर बताएगा। जबकि आप लोग यहाँ पर देखो 5 मीटर है, दिखा 6 मीटर रहा है, डेट मीन्स प्लस प्लस वाली एरर है। आप लोग देख लिया करो, एरर आप लोगों को समझ में आती है, नहीं आती है तो आप लोग यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को देख लिया करो ना। ट्रू वैल्यू आप लोगों को पता है ये लेंथ अगर स्टेटर रही तो 5 मीटर आएगा, जबकि यहाँ पर देखोगे तो आप 6 मीटर दिखा रहा है, डेट मीन्स प्लस 1 मीटर की आप लोग की एरर, पॉजिटिव एरर है। तो राइजिंग टेम्परेचर ऑब्वियस बात है आप लोग यहाँ पर ये एरर नेगेटिव दिखाएगा, राइजिंग टेम्परेचर। इसको देख लो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो चेन की लेंथ बढ़ जाएगी, तो चेन आप लोगों को पता है चेन एक्चुअल में 30 मीटर की है, 30 मीटर की चेन है ना, लेकिन टेम्परेचर जैसे राइज किया तो ऐसे क्या हो गया आप लोगों का, ये चेन हो गई आप लोग यहाँ पर 30.1 मीटर की, 30.1 मीटर की चेन बढ़ गई है ना। लेकिन आप लोगों को ये थोड़ी पता है कि ये 30.1 मीटर की हो गई है ना, आप लोग तो यही मान के चल रहे 30 मीटर की चेन है ना। तो 30.1 मीटर को हम यहाँ पर क्या मेजरमेंट करके, मेजर्ड वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर माइनस ट्रू वैल्यू कर दो, है ना। तो यहाँ पर देखो आप मेजरमेंट करते टाइम लिख रहे हैं 30 मीटर अपनी बुक के अंदर, है ना, जबकि एक्चुअल में उस टाइम पर टेप की या चेन की लेंथ बढ़ चुकी है ना। तो यहाँ पर -0.1 मीटर की आप लोगों की एरर यहाँ पर शामिल है, देख लो आप मेजरमेंट करते टाइम 30 मीटर लिख रहे हैं आप लोग, जबकि चेन क्या हो गई तो आपकी बढ़ गई है, चेन बढ़ गई है, टेप बढ़ गई है ना, चेन करते टाइम में ये वैल्यू बढ़ गई है आप लोग, क्यों, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर हुआ तो टेम्परेचर बढ़ने से मेटल एक्सपेंड करेगा ना, मेटल एक्सपेंड करेगा तो आप ये कह सकते हो कि सर 30 मीटर की चेन 30.1 मीटर की हो गई है, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू है इस पर्टिकुलर चेन की 30.1 मीटर हो गई है। जबकि मेजरमेंट करोगे आप तो मेजरमेंट करते टाइम पे आप लोग यहाँ पे इसको 30 मीटर लिख रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट से 30 मीटर ही उठा के लेके आए थे ना, तो मैं फील्ड बुक में 30 मीटर लिख रहा हूँ, तो माइनस की एरर लग जा रही है। तो एक ही है आप लोग राइज इन टेम्परेचर, दैट इज द ओनली रीजन। नेक्स्ट, द करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट। देखो रॉन्ग अलाइनमेंट का भी यही मतलब है, देखो एक आप लोगों को यहाँ पर रॉन्ग अलाइनमेंट करना है आप लोगों को, देखो दिस इज द रॉन्ग अलाइनमेंट है ना, देखो ये ए बी लेंथ है, दिस इज द ए बी लेंथ है ना, अब इस ए बी लेंथ का रॉन्ग अलाइनमेंट आप लोगों को यहाँ पर करना है ना। देखो अलाइनमेंट अगर आपने रॉन्ग किया, देखो अलाइनमेंट आपने रॉन्ग किया तो देखो ये मामला बैठेगा मिस अलाइनमेंट का, बिल्कुल इधर बैठा लो, इधर बैठा लो, किधर ही बैठा लो आप लोग, अलाइनमेंट आप लोग यहाँ पर सही मत करो, सही सही अलाइनमेंट, देखो एक सिंगल अलाइनमेंट सही, सबसे शॉर्टेस्ट अलाइनमेंट यही रहेगा आप लोगों का, इसमें कहीं मिस्टेक करोगे ना तो लेंथ आपकी बढ़ेगी, तो लेंथ आप लोगों की यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा नजर आएगी, लेंथ आपकी मोर नजर आएगी, डेट मीन्स एरर जो है आप लोग यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा ना। तो करेक्शन ड्यू टू द रॉन्ग अलाइनमेंट आप लोगों को कैसे नेचर में रहेगा, देखो तो ये आपकी एल लेंथ है, ये आपकी एल लेंथ है, और ये जो आप लोग इसके थ्रू मेजरमेंट करेंगे ये एल लेंथ आपकी ज्यादा मिलेगी, ये एल डैश लेंथ आपको ज्यादा मिलेगी, तो एल डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन एल है ना। तो जो आप लोग यहाँ पर देखें तो एरर आप लोगों का क्या होता है, एरर बराबर होता है आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है ना, यानी कि मिसअलाइनमेंट की वजह से आप ब्लैक वाली लेंथ नाप रहे हैं, एल डैश नाप रहे हैं आप एल की कंपेरिजन में है ना, और एल डैश की वैल्यू आप लोगों को पता है, मेजर्ड वैल्यू के बारे में बताऊंगा तो मेजर्ड वैल्यू आपकी ज्यादा है ना, तो एरर आपकी पॉजिटिव निकल के आएगी, तो एरर पॉजिटिव निकलेगा तो करेक्शन कैसा निकलेगा, करेक्शन आप लोगों का यहाँ पर नेगेटिव निकलेगा, करेक्शन नेगेटिव निकलेगा, तो मिसअलाइनमेंट की वजह से हमेशा आपको यहाँ पर नेगेटिव टाइप का आप लोगों को यहाँ पर पर्टिकुलर मामला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, इज ऑलवेज नेगेटिव है ना। तो करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट इज ऑलवेज। प्रिज्म स्क्वायर का काम क्या है, देखो सेम काम प्रिज्म स्क्वायर का है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई अलग से काम नहीं करेगा, राइट एंगल ही निकालने का काम आता है, राइट एंगल ही निकालता रहेगा बस, दैट्स इट। ये हमने यहाँ पर 2019 तक के लीनियर मेजरमेंट्स के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर निकल के आए हैं हमारे सर्वेइंग वाले पर्टिकुलर चैप्टर में, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर अगले सेशन के अंदर, हम यहाँ पर अगली वीडियो के अंदर आगे की डिटेलिंग हम यहाँ पर लेते चलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।